क्लास में एक स्टूडेंट की घड़ी चोरी हो जाती है। वो अपने टीचर के पास जाके कंप्लेन करता है कि मेरे पिताजी ने जो मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट के तौर पर दी थी वो घड़ी चोरी हो गई है। सर ये सुनते ही सारे लड़कों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, सबकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और सर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो घड़ी मिल आती है और सर जो घड़ी का मालिक होता है उसके हाथ में वो घड़ी सौंप देते हैं। क्लास खत्म हो जाती है और इस बात को 2 हफ्ते बीत चुके होते हैं, लेकिन 2 हफ्तों तक वो लड़का डर से कांप रहा होता है कि आज नहीं तो कल सर जरूर से बता देंगे, लेकिन सर नहीं बताते। स्कूल खत्म हो जाती है और सारे के सारे लड़के कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज खत्म करके सब काम कर रहे होते हैं और एक दिन रियूनियन के समय सारे ही मिलते हैं। वो लड़का जिसने चोरी की होती है आज बहुत बड़ा उद्योगपति बन चुका होता है। अपने टीचर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मेरी जिंदगी पर आपका बहुत बड़ा ऋण है, आप नहीं जानते उस दिन अगर आपने बता दिया होता कि चोरी मैंने की थी तो मैं आत्महत्या कर चुका होता। इस पर सर कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि चोरी तुमने की थी, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर ही नहीं मेरी भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़रों में भी मेरे स्टूडेंट की इज्जत कम हो जाए। अर्थात मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सिद्धांत है ना कि प्रशंसा सभी के सामने करें।